हे गाइस, कैसे हो? फाइनली आप लोग अच्छे हो गए। एक और वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। एंड आज का टॉपिक हम बात करेंगे अरमान मलिक का सिंगल सॉन्ग जो कि आते हैं, वो सॉन्ग कितने बजट में, कितने पैसे में एक सिंगल सॉन्ग बनाए जाते हैं और कितने फ़ायदा होते हैं, कितना नुकसान होता है एंड कहाँ ये सॉन्ग शूट किया जाता है, वो सब मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ आप लोगों का डाउट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं टूटे खाबा सॉन्ग जो कि 2018 में रिलीज हुआ था। टूटे खाबा सॉन्ग, ये सॉन्ग मुंबई में ही शूट कर लिया गया था। एंड ये सॉन्ग का हम बजट बताएं तो ये सॉन्ग का बजट है 5 लाख। ये 5 लाख रुपए में सॉन्ग सब शूट वगैरह सब खत्म हो चुका था, डिजाइनिंग वगैरह वगैरह सब खत्म हो चुका था। एंड इस सॉन्ग ने यूट्यूब से अर्न किए 20 लाख रुपये जो कि अरमान मलिक को मिले या टी सीरीज जो भी बाट ले पार्टनरशिप है तो। एंड हम इसके बारे में बात करते हैं, ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा चला था उस समय जब आया था अरमान मलिक के। ये सॉन्ग 1 घंटे में ही 1 मिलियन क्रॉस कर गया था। एंड हम इसके बाद हम बात करते हैं जो कि घर से निकलते हैं सॉन्ग। ये सॉन्ग का बजट है 8 लाख रुपये। ये 8 लाख रुपये में सॉन्ग बनाया गया था जो कि इटली में शूटिंग किया गया था। कंपोजर अरमान मलिक, लिरिक्स कोलाल वर्मा एंड सिंगर अरमान मलिक, फ्यूचरिंग भी अरमान मलिक एंड अंजलि है, ऐसा ही कुछ। ये सॉन्ग को यूट्यूब से कितना कमाया, ये सॉन्ग के बारे में हम बता देते हैं। ये सॉन्ग यूट्यूब से 40 लाख अर्न कर चुका है। एंड ये आपस में पार्टनरशिप समझते होंगे आप, टी सीरीज एंड अरमान मलिक का पार्टनरशिप हो गया। हम इसके बाद बात करते हैं MWM एंटरटेनमेंट्स पे जो कि रिलीज हुआ था बरसात सॉन्ग। उस सॉन्ग का 2 लाख से 1 लाख तक का बजट ही था एंड वो यूट्यूब से 10 लाख कमा लिया है जो कि काफ़ी फ़ायदा में अरमान मलिक आए MWM एंटरटेनमेंट्स जो कि वो खुद का उनके फादर यानी डब्बू मलिक का चैनल है एंड वो डब्बू मलिक तो ये काफ़ी फ़ायदा में आया MWM एंटरटेनमेंट्स। एंड हम इसके बाद नखरे नखरे की बात करते हैं तो नखरे नखरे सॉन्ग जो कि इसका बजट 1 लाख रुपए का था एंड ये सॉन्ग 5 लाख कमा लिया है जो कि अभी 1 मंथ नहीं हुआ है अभी। और देखिए कैसा रिस्पांस फैन का मिलता है। ये सॉन्ग हॉल में जो कि शूट किया होगा आप लोगों को पता होगा। एंड ये सॉन्ग आप लोग नहीं सुने तो जाकर सुनिए। ये सॉन्ग अभी तक 5 लाख ही अर्न कर पाया है एंड ये एलवेज म्यूज़िक की तरफ से। अब हम बात करते हैं जो कि एक और सॉन्ग है अरमान मलिक का, आ जाना फरारी में, जो कि ये सॉन्ग कहाँ पे शूट हुआ है ये आपको बता देते हैं। ये सॉन्ग थाईलैंड में ये सॉन्ग शूट किया गया है जो कि ये भी अच्छा खासा बजट में सॉन्ग बनाया गया था जो कि 15 लाख रुपये इसमें लग गया है। एंड ये सॉन्ग ने अभी तक 35 लाख रुपए अर्न कर चुके है जो कि ये काफ़ी पुराना सॉन्ग है, 4 साल पुराना सॉन्ग है। एंड ये सॉन्ग का भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जो कि फरारी कार लेकर आए थे अरमान मलिक एंड फरारी कार में शूट कर रहे थे। तो चलिए इतना डिटेल मैं आप लोगों को दे दिया हूँ। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।